जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज नहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान ने जो लिखा, तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का, रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, क्या करती है? ये मैं आपको तब बताऊंगी जब आप मेरे साथ लंच करेंगे। तुम तो पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया होता ना तो तुम्हारे उस जरखरीद गुलाम को आज उसकी गाड़ी में ही दफना दिया होता। देखिए आप खामखा मुझसे उलझने की कोशिश मत करें, मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता हूँ। और रही बात मेरे कैबिन की, अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी करना है मैं खुद करूंगा। पूजा की शादी हमारे नहीं बल्कि उसकी अपनी मर्जी से होगी। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ सूरज जी। देखिए अगर मेरे कुछ करने पर अजय ने कोई गलत कदम उठा लिया तो मेरे घरवाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है यार, लेकिन ये शादी वादी से मुझे डर लगता है। किस बात से? मैं आज आपके साथ कॉफी पीने नहीं आ सकती हूँ। क्यों? पूजा आपके पास आ रही है। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। गुलखान को जानते हो ना? जी, वो टैक्सी ड्राइवर। हाँ वही, अक्सर वो अबू धाबी जाने वाले टैक्सी स्टैंड पर खड़ा रहता है। जी। अब सुनो, शराब की दो बोतलों का एक पार्सल बनाकर तुम्हें उसकी टैक्सी में बैठ जाना है। अपनी जगह पर पहुंचकर बिना वो पार्सल लिए टैक्सी से उतर जाना, और जैसे ही टैक्सी चली जाए पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, गुलखान शराब स्मगल करने के जुर्म में पकड़ा जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब मैं चलूं? हाँ, लेकिन ये काम ध्यान से करना, समझे? जी। गुलखान, इस उम्र में मैंने तुमसे जेल की चक्की नहीं पिसवाई तो मेरा नाम भी कमल चोपड़ा नहीं। हेलो। हेलो, क्या मैं अजय से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, अजय बोल रहा हूँ। हाँ अजय, मैं दीपा बोल रही हूँ। दीपा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आज आपने हमें कैसे याद किया? बस ये जानने के लिए कि क्या हम लंच आज साथ में कर सकते हैं। आज? हाँ,
मूड तो आज का ही था, लेकिन मसरूफ हो तो फिर कभी सही। नहीं नहीं, ऐसी कोई मसरूफियत नहीं है। कहिए कहाँ मिलना है? ओएसिस में। ओएसिस में? ठीक है, मैं आ जाता हूँ 2 बजे। अगर आप चाहें तो उससे पहले भी आ सकते हैं, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके बाय, आई विल सी यू देयर। अजय, आज खाने में क्या खाएगा बेटा? दादी माँ, आज मेरा लंच बाहर है। किसी लड़की के साथ? दादी माँ, आपको कैसे पता? तेरा चेहरा इतना लाल मैंने कभी नहीं देखा। कोई खास लड़की है? नहीं दादी माँ, मैं तो उसको ठीक से जानता भी नहीं हूँ। तो जान लेना, अगर अच्छी लगे तो मुझसे मिलवा देना, मैं तेरी माँ को मना लूंगी। मैं चलता। अच्छा बेटी। चल रहे? चलो अबू धाबी टैक्सी स्टैंड चलो। हेलो। अरे ये तो वही टैक्सी ड्राइवर। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो। गुलखान की गाड़ी में शराब की बोतल रख दी। गुड। सेब, आप अपने ये कीमती चीज मेरा गाड़ी में भूल गया था। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा नजर पड़ गया, मैं ठीक से घुमाया। ये भी खुदा का कुदरत है कि आप करीब में मिल गए, नहीं तो मैं मारा मारा किधर ढूंढता आपको। देखो होशियारी से रहा करो, ऐसा चीज किसी गाड़ी में भूलना नहीं, कोई ले जाएगा। हाय दीपा। ओ हाय। मैं जल्दी तो नहीं आ गया? आप लेट हैं। मैं आपको जल्दी एक्सपेक्ट कर रही थी। मेरी बदकिस्मती है, मैंने सोचा कि पता नहीं आपको अच्छा लगे या ना लगे। मुझे अच्छे लोगों का साथ अच्छा लगता है। कुछ ऑर्डर करें? इतनी जल्दी? आप पहले कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ले लेंगे। सही कहा आपने, एक्चुअली हमें एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। उस दिन तो बात मजाक मजाक में रह गई। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ जो दुबई एक मकसद के लिए आया है। किस मकसद से? वो मैं आपको नहीं बता सकता। यहाँ पर मैं अपने दादा और दादी के साथ रहता हूँ, मेरी माँ बंबई में रहती है। मेरी माँ ने मेरे पापा से डिवोर्स ले लिया और मेरे पापा लापता हैं। आपने अपनी जिंदगी का ये कड़वा सच कितनी आसानी से कह दिया। जो चीज़ कड़वी होती है दीपा, उसे इंसान ज़्यादा देर तक अपनी ज़ुबान पर नहीं रख सकता। या तो उसे उगल देना चाहिए या फिर निगल लेना चाहिए। चलिए, ये कहकर आपने मेरे लिए भी आसानी कर दी। मैं समझा नहीं। मैं एक डांसर हूँ और यहाँ के नाइट क्लब में डांस करती हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन यही सच है और ये मेरा पेशा है। हाँ, ये बात और है कि ये पेशा मेरी मजबूरी है। अच्छा, मैं ये सब आपको इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे आपकी हमदर्दी चाहिए, बल्कि इसलिए कि यही सच है। लोग मेरे पेशे को बुरी नजर से देखते हैं। अब चॉइस आप पर है।
अगर आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं या मेरे साथ लंच कर सकते हैं। मैं इतना तंगदिल नहीं हूँ दीपा, मेरी माँ भी एक क्लासिकल डांसर है, उनके अपने लोगों ने उन्हें इज्जत नहीं दी। मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारी मजबूरी क्या है और शायद जानना भी नहीं चाहता। बस इस बात की तसल्ली है कि तुम नाइट क्लब में अपनी मजबूरी के तहत काम करते हो, बल्कि आप पर तो मुझे फख्र है। आप पहले इंसान हैं जिसने मेरा पेशा जाने के बाद मुझे इज्जत की नजरों से देखा है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, बल्कि अब तो आपसे दोस्ती करने में ज्यादा मजा आएगा। चलिए अब तो कुछ ऑर्डर करें। हाँ जरूर। किसी काम के नहीं हो तुम, इतने छोटे से काम को अंजाम नहीं दे पाए। सर काम तो हो गया था, पता नहीं बूढ़े को कैसे पता चल गया, वो मेरा पार्सल वापस कर गए। ठीक है, दोबारा कोशिश करना, समझे? जी सर। जा सकते हो। हेलो, मैं दीपा बोल रही हूँ मिस्टर कमल। हाँ दीपा बोलो। शिकार ने चारा चुग लिया है, मेरे ख्याल से अब वो जाल में फंस जाएगा। वेरी गुड, यू मेड माय डे दीपा, लेकिन जरा चौकन्नी होकर काम करना। आई वॉन्ट यू टू सक्सीड, ओके? जस्ट वेट एंड वॉच। बाय। इतिहास दोहराया जाएगा शमशेर राज, और इस बार यह इतिहास कमल चोपड़ा दोहराएगा। हेलो। हेलो मामा, कैसी हो आप? अच्छी हूँ, तो क्या कर रही है? मामा पता है अभी सूरज जी और मैंने खाना बनाया, फिर खाया और हम लोगों को खूब मजे आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और हम लोग लेजर शो देखने भी जा रहे हैं, आप चल रही है ना हमारे साथ? नहीं नहीं, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी। मामा प्लीज चलिए ना, वो ही करेंगे जो हम करेंगे, लेजर शो देखेंगे। हम आपको एक घंटे में पिकअप करने आ रहे हैं। नहीं तुम लोग जाओ। मामा प्लीज चलिए ना। पूजा जिद मत करो, मैंने कहा है ना मुझे काम है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। क्या हुआ? मामा नहीं आ रही है। तो इसमें गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटे। क्या बात है दादी माँ, आप खामोश क्यों हैं? सोच रही थी कि तू मुझे फिर से ना तो नहीं कहेगा। किस बात के लिए? वो तेरे दादाजी पूछ रहे थे कि तेरे पास पैसे नहीं होते, तू अपना खर्च कैसे चलाता है? दादी माँ मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे, और फिर अब तो मुझे कंपनी से तनख्वाह भी तो मिलेगी। क्या ये सब कुछ तेरा नहीं है? हाँ, लेकिन अपनी माँ को भेजने के लिए मुझे अपने खून पसीने का पैसा चाहिए दादी माँ,
और फिर मुझे अपनी मेहनत का मुआवजा भी तो मिलेगा। पर तेरे दादाजी चाहते हैं कि तू ये कार्ड रख ले। दादी माँ उनकी बात रहने दीजिए, आप बताइए आप क्या चाहती हैं। मैं तो तुम दोनों के बीच बिस गई हूँ, पति की सुनो या पोते की, वो तो जिद्दी है ही, मगर तुम तो उनसे दो गुना ज्यादा जिद्दी हो। मैं तो रोने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। नहीं दादी माँ, मैं आपको रोने नहीं दूंगा, मैं आपके आंसू कभी नहीं देख सकता। आप मेरी माँ की गुनहगार थोड़ी है। अगर माँ ने मुझसे पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। लाइए लाइए, अब आपकी खातिर इस घर में वही होगा जो आप चाहती हैं। चुक चुक जियो मेरी लाल, चुक चुक जियो। अब आप खुश हैं? हाँ बेटी, मैं बहुत खुश हूँ। चाओ बेटी चाओ। अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। हाँ बेटी, ठीक है, चाओ बेटी। ओके दादी। ये देखिए, ये कैबिन बनाना है। अगर आप देखेंगे तो इसका स्टाइल बहुत ही पुराना है। ये सीलिंग बदलनी है, थोड़ी फ्लोरिंग बदलनी है। ये ऑफिस की फ्लोरिंग है, आप बता सकते हो उसमें क्या है? ये हाँ, ये अच्छा लगेगा। ये टेबल के पीछे वुड पैनलिंग के साथ फॉर बुक शेल्फ। और टेबल मुझे थोड़ा सेमी सर्कल चाहिए ताकि मैं 6-7 लोगों से एक साथ बात कर सकूँ। और आई लाइक टू चेंज माई चेयर ऑल्सो। और क्या मैं जान सकती हूँ यहाँ क्या हो रहा है? Some of your problem? It is my problem. Gentlemen, please leave. मैं इस कंपनी की चेयरपर्सन हूँ। ये ऑफिस मेरे अंडर ऑपरेट होता है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे पता चलना चाहिए। अच्छी बात है। ये मेरा कैबिन है और मैं इसको अपने हिसाब से बना रहा हूँ। ऐसा करके आप इस ऑफिस के डिसिप्लिन और डेकोरम को खराब नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ काम करना है तो सबॉर्डिनेट बनकर करना पड़ेगा। आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? जी, इस कंपनी के मालिक के मुंह चढ़े पोते से। आप इस कंपनी के मालिक जरूर हैं, लेकिन यहाँ मेरा हुक्म चलता है। ये कैबिन वैसा ही रहेगा जैसा है। अगर आपको कोई शिकायत है तो कंपनी के मालिक से बात कीजिए। अगर वो लिख कर देते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। Shut down!